मैं बोल रहा है कि 1500 मीटर के रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से और एक्स जेड को 240 मीटर से हराता है, तो वाई जेड को कितने मीटर से हराएगा? यहां मीटर में बात हो रही है, इसका मतलब टाइम क्या है? सेम है। और जब टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही रेशियो होगा स्पीड का, ये हमें पता है। आते हैं एक्स एंड वाई पे। एक्स ने वाई को 100 मीटर से हराया, इसका मतलब एक्स जब 1500 मीटर चला गया था वाई से 100 मीटर पीछे था, तो 1400 मीटर ही ट्रेवल किया इसने, तो रेशियो आ गया है 15:14 का एक्स एंड वाई का। यह स्पीड का रेशियो, ध्यान दें डिस्टेंस का रेशियो है लेकिन टाइम सेम होने से स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा। फिर एक्स एंड वाई पे आते हैं, एक्स जब 1500 एक्स और जेड पे, एक्स जब 1500 मीटर चला गया था तो जेड 240 मीटर पीछे था, इसका मतलब 1260 मीटर पे था, तभी तो 240 मीटर पीछे होगा। बोलेंगे बिल्कुल सही, गया गया। तो अगर हम ए भी स्पीड का रेशियो हो गया, स्पीड का रेशियो, अगर हम एक्स वाई जेड के स्पीड के रेशियो पे चले जाएं, तो एक्स का स्पीड अगर 150 है तो वाई का 140 होगा, इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जेड का 126 होगा। बोलेंगे बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पे हमें क्या देखना है, कट रहे क्या 14 से 14 8, हाँ जी, हमें वाई एंड जेड पे फोकस करना है ना, तो वाई एंड जेड पे अगर हम फोकस करेंगे तो ए स्पीड का रेशियो है 140 126, 14 दहाके 140 और 14 नवा 126। मतलब क्या है आइए देखिए, कि अगर जो है वाई एंड जेड के स्पीड का रेशियो हो गया 10:9 और ये डिस्टेंस का भी रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो बोले स्पीड का रेशियो बोले सेम ही है क्योंकि टाइम सेम है, तो वाई जेड को 1 यूनिट से हराएगा। 10 मीटर का रेस होता तो वाई 1 मीटर से जीतता, रेस है 1500 मीटर का तो वाई जो है वो 1500-150 मीटर से जीत जाएगा। बोलेंगे बिल्कुल सही। क्वेश्चन का जो सही आंसर आना है वो क्या आना है, ऑप्शन नंबर 3। तो अगर ये वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सारे बेस्ट PYQ का सलूशन मिलेगा आपको डिटेल में, और अगर हम यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो उठाएंगे बेसिक से लेके जाएंगे टॉप तक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सॉल्यूशन के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।